हेलो फ्रेंड्स मोनिट्रोल अकेडमी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडिनो वायरस सो so फ्रेंड्स एडिनो वायरस हमारा एक कॉमन ग्रुप है ठीक है वायरसेस का एक ग्रुप है जो कि क्या करता है इंपैक्ट करता है इन्फेक्ट करता है आपके आइज को एयरवेज एंड लंग्स इंटेस्टाइन को नई ट्रैक को और नर्वस सिस्टम को ठीक है तो एडिनो वायरस हमारा जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है सो दे आर कॉमन काजेज बेसिकली जो कॉमन कॉजेज होते हैं एडिनो वायरस की सो so, उसमें फीवर हो सकता है आपको कफ हो सकता है सोर थ्रोट हो सकता है डायरिया हो सकता है एंड पिंक आई हो सकता है ठीक है सो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो एडिनो वायरस क्या करता है कॉज करता है ठीक है सो इन्फेक्शन हैपन इन चिल्ड्रन मोर ऑफ देन इन सो क्या है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एडल्ट से ज्यादा चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करते हैं सो so, ये एडीनो जो क्या है चिल्ड्रन्स जो है उनको ज्यादा इफेक्ट करते हैं ठीक है सो बट एनी वन कैन गेट देम और कोई भी एडिनो वायरस से इफेक्ट हो सकता है चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो ठीक है सो द इन्फेक्शन यूजली कॉजेज ऑनली माइल्ड सिम्टम्स एंड गेट बेटर ऑन देअर अवन इन अ फ्यू डेज सो इन्फेक्शन क्या होता है एडिनो वायरस में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसके ठीक है और क्या होता है ये कुछ दिनों में ठीक भी हो जाते हैं सिम्टम्स नॉर्मली होंगे कफ होगा आपका हेड एक् होगा तो ये जो चीजें है ना ये काफ कुछ दिनों में ठीक हो जाती है ठीक है कुछ सिम्टम्स जो है कुछ दिनों में रिकवर हो जाते हैं बट दे कैन बी मोर सीरियस इन पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम स्पेशली चिल्ड्रन तो क्या होता है कभी कभी किसी केस में जैसे कि काफी सीरियस कंडीशन है ठीक है पीपल बहुत सीरियस है और उसका जो इम्यून सिस्टम है काफी वीक हो चुका है तो स्पेशली चिल्ड्रन्स का क्या होता है कि अगर उनको कोई एक डिजीज हुई है तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता तो है उस टाइम पे भी उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी वायरस क्या है काफी जल्दी इफेक्ट करती है और वो काफी लॉन्ग टाइम तक रह सकती है ठीक है तो वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाते ये सिर्फ सीरियस कंडीशन में हो सकता है एडिनो वायरस स्प्रेड एडिनो वायरस किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो एडिनो वायरस क्या है कॉमन वायरस है ये जो वायरस है उसका लार्ज ग्रुप ऑफ किड्स यानी प्लेस विद लार्ज ग्रुप ऑफ किड्स यानी क्या है कि जो वायरसेस का कॉमन है वायरसेस एक कॉमन है जो क्या करता है किड्स जो किड्स के जो बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा बच्चे ग्रुप में खेलते हैं ठीक है तो सच एज डे केयर सेंटर स्कूल्स एंड समर कैंप तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को ना ग्रुप्स में खेलने की आदत होती है कि चार पांच बच्चे आपस में ग्रुप में खेलते हैं तो ये जो डे केयर होते हैं डे केयर आपने देखा होगा कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है और काफी बच्चों को उनको बैठना सिखाया जाता है उनको खेलना सिखाया जाता है सो so, वहां पर क्या होता है डे केयर में भी बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा होती है स्कूल्स में आपने देखा होगा स्कूल में भी बच्चे होते हैं बच्चे ही स्कूल में जाएंगे तो वहां पर भी बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा होती है एंड समर कैंप्स होती है वहां भी बच्चे जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही कॉमन स्प्रेड आउट है वायरस का एक पर्सन तो टू और पर्सन में फैलने का तो बच्चों में क्या होता है कि वो एक दूसरे को टच करते हैं ठीक है अपने हैंड को टच करते हैं ठीक है खेलते टाइम एक दूसरे को टच करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है उनके हैंड उनके मुंह पे या चिक्स पे लगते रहते हैं हाथों पे लगते रहते हैं तो उससे वो स्प्रेड आउट बहुत जल्दी हो जाता है ठीक है सो दे कैन स्प्रेड विथ समन हु इन फैक्ट कफ एंड स्नीज जो कफ कर रहे हैं स्नीज कर रहे हैं छींक रहे हैं खांस रहे हैं तो उससे जो ड्रॉपलेट होती है ठीक है ड्रॉपलेट क्या कंटेन करता है वायरस कंटेन करता है तो वो फ्लाई करते हुए एयर से क्या करते हैं लैंड कर जाते हैं सरफेस पे जो बच्चों की स्किन की सरफेस होती है वहां पर लैंड कर जाते हैं और ड्रॉप वो जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू वो आपके अंदर चले जाते हैं ठीक है सो योर चाइल्ड कैन कैच दी वायरस वैन दे टच दी हैंड बाय अदर ऑब्जेक्ट हैल्ड बाय सम हैज इट एंड दैम टच डर माउथ नोज और आईज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा वायरस कंटेन कैच कर लेता है कंटेन कर लेता है कैच कर लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो अपने हाथ को अपने मुंह पर या नाक पर या आंखों पर लगाता है तो वो वायरस क्या होता है अंदर चला जाता है ठीक है और वही इन्फेक्शन कॉज करने लगता है सो इट स्प्रेड्स क्विकली विथ चिल्ड्रेन बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू पिट पुट देयर हैंड ऑन देअर फेस एंड देयर माउथ तो क्या करता है बच्चों के अंदर जो एडोनो वायरस है स्प्रेड आउट बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो अपने हाथों से कहीं ना कहीं अपने मुंह पे अपनी आंखों पे टच करते रहते हैं ठीक है so, सो मोनली क्या होता है कि जो डेंट्स होते हैं वो काफी सोच समझ कर अपनी आंखों पर अपने मुंह पे अपने ऐसी जगह पे टच करते हैं लेकिन चिल्ड्रन्स क्या है वो नॉर्मल कॉमनली है कि चिल्ड्रन करेंगे करेंगे इसलिए उनमें क्या होता है कि स्प्रेड आउट बहुत जल्दी हो जाता है यू कैन गेट इन्फेक्टेड वैन यू चेंज अ डाइपर अगर आप बच्चे का डाइपर चेंज कर रहे हो तो आप इफेक्ट हो सकते हो ठीक है और कैसे यू ऑल्सो कैन गेट सिक फ्रॉम दूड प्रिपेयर बाय समन डिड नॉट वॉश देयर हैंड प्रोपरली आफ्टर गोइंग टू दी बाथरूम आप क्या है कि अगर आप इन्फेक्टेड कब हो सकते हो फ्रेंड्स डाइपर चेंज करने में अगर बच्चा एक दूसरे बच्चे को टच करता है और उसने वो कंटेन कर लिया है ठीक है वो स्टिकी हो गई है वो वायरस उसके सरफेस पे तभी आपको इन्फेक्शन हो सकता है आप इन्फेक्ट हो सकते हो एडेनो वायरस से सो so, सेकेंड क्या है हमारा अगर कोई सिख है ठीक है तो अगर आप फूड खाने जा रहे हो ठीक है आपने वॉश हैंड वॉश नहीं किया है प्रॉपर तरीके से ठीक है तो क्या होता है कि इससे भी स्प्रेड आउट हो सकता है अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की एडिनोवायरस में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सर्डिनो so, वायरस के अंदर ब्रोकाइटिस ब्रोकाइटिस के अंदर आपको कफ हो सकता है रेनी नोज हो सकता है फीवर एंड चिल्स हो सकते हैं ठीक है कोल्ड एंड अदर रेस्परेटरी इन्फेक्शन के अंदर आपको स्टफी एंड रनी नोज हो सकता है कफ हो सकता है सो थ्रोट हो सकता है स्वेलन आ सकती है आपके ग्लैंड में ठीक है क्रोअप क्या है हमारा बेकिंग बार्किंग बार्किंग कफ है हमारा एंड ट्रोबल ब्रीथिंग है हाई पिच साउंड है एंड वैन ब्रीथिंग इन अगर आप ब्रीथ करते हैं तो आपके साउंड जो है वो हाई पिच होती है ठीक है सो ईयर इन्फेक्शन ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है फ्रेंड्स इसके सिम्टम हो सकता है ईयर इन्फेक्शन सो ईयर पेन हो सकता है आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है एंड फीवर भी हो सकता है पिंक आईज का मतलब क्या है इसमें आपकी आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं और डिस्चार्ज फ्रॉम योर आईज यानी आपकी जो आंखों से है वो टीयर्स भी डिस्चार्ज होते रहते हैं टीयरिंग होती रहती है आपको एंड फीलिंग लाइक दे आर समथिंग इन योर आई आपको फील होता रहता है कि आपको आपकी आंखों में ना कुछ है यानी कुछ चला गया है जब आप चेक करते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं है ठीक है निमोनिया निमोनिया बेसिकली क्या है इसमें फीवर कफ हो सकता है ट्रबल ब्रीथिंग हो सकती है ठीक है आपने देखा होगा जब आपको हाई फीवर हो तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है आपकी नोज बंद हो जाती है ठीक है तो ये नॉर्मल से जनरली सिम्टम्स हैं जो बेसिकली हर जो वायरस है वायरल इन्फेक्शन है उसमें देखने को मिल जाती है अब हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इसके अंदर डायरिया आता है वॉमिटिंग आती है हेडेक आता है फीवर आता है स्टमक क्रैम्प्स आते हैं ठीक है थीके? तो ये हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में कवर है स्वेलिंग ऑफ दी ब्रेन एंड स्पाइन एंड कोड उसमें अंदर मैनजाइटिस है एंड इनसेफेलाइटिस है तो इसके अंदर जो क्या होता है ब्रेन के अंदर स्पाइनल कोड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिसके अंदर हमें एडकडक हो सकता है हमें फीवर भी आ सकती है स्टिफ नेक हो सकता है एंड नोज आ, आ सकती है वोमिटिंग आ सकती है वोमिटिंग काफी रेयर कंडीशन में आती है ठीक है सो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि फीवर सब में कॉमन है अगर आपको कोई भी डिजीज होती है तो आपको फीवर जरूर होता है क्यों क्योंकि हमारे बॉडी में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा होता है वायरल आ, कोई फॉरन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी क्या है उससे रिएक्ट करती है हमारा इम्यून सिस्टम उससे रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में हमें फीवर आना बहुत कॉमन होता है ठीक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है सो बर्निंग एंड पेन वायरल यूरिनरी जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपको उस उस टाइम के दौरान आपको पेन भी हो सकता है सो फ्रीक्वेंट नीड टू गो ब्लड इन योर यूरिन अगर आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो उसमें ब्लड भी आ सकता है इन कंडीशन ऑफ एडीनो वायरस इन्फेक्शन सिमटम्स ठीक है सो फ्रेंड्स हम इसको किस किस तरीके से अपने लैब में डायग्नोज करेंगे अभी तो हमने एडिनो वायरस के बारे में पढ़ा ठीक है अब हम किस तरीके से उसको डायग्नोज करेंगे ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं एक नर्स क्या होगी आपका सैंपल लेगी आपके बच्चे का वेन के थ्रू ठीक है आपके उनके आर्म से तो ब्लड टेस्ट के लिए हमें ब्लड की जरूरत है यूरिन टेस्ट के लिए बच्चे का यूरिन टेस्ट लेगी स्वैप टेस्ट के लिए बच्चे का म्यूकस सैंपल लिया जाएगा उसके नोज से ठीक है स्टूल टेस्ट के लिए बच्चे का स्टूल टेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है सो फ्रेंड चेस्ट एक्सरे के केस में क्या होता है कि टेक्नीशियन ना स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पास करता है ठीक है तो इससे क्या होता है कि बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है क्योंकि जो रेडिएशन है वो थोड़ी हार्मफुल होती है तो काफी लोग जो है रेडिएशन के लिए मना करते हैं पर एडिनो वायरस के केस में हमें चेस्ट एक्सरे भी करना पड़ता है तो बच्चों के लिए काफी हार्मफुल रेज होती है जिसको अवॉइड करना चाहिए ट्रीटमेंट सो so फ्रेंड्स इसका भी ट्रीटमेंट है जो हम एडिनो वायरस पढ़ रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट है सो तो इसमें एंटीबायोटिक्स क्या है ये एडिनो वायरस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए नहीं दिया जाता बल्कि इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जा, दिया जाता है अगर आपको एडिनोवायरस वायरस है अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इससे आप सिर्फ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं इन्फेक्शन कम नहीं कर सकते सो चिल चिल्ड्रंस एफन गेट ओवर द इलनेस इन दरअन विद इन अ फ्यू डेज सो चिल्ड्रंस क्या होते हैं अगर उनको एडिनोवायरस वायरस है तो ये फ्यू डेज में उनको दिखने लग जाएगी ठीक है सिम्टम्स सो सम इन्फेक्शन लाइक पिंक आईज और निमोनिया कैन लास्ट फॉर अ वीक और मोर तो कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि जैसे पिंकाई हो गया निमोनिया हो गया ये कुछ सप्ताह के लिए उससे ज्यादा रह सकते हैं बाकी जो नॉर्मल सिम्टम्स है जैसे फीवर हो गया उसको हेडेक हो गया ये सारी जो जो भी सिम्टम्स हैं, ये काफी थोड़े से दिनों में ही खत्म हो जाती है यानी एक दो दिन तीन दिन ठीक है उसमें ये फिनिश हो जाती है सो गिव प्लांटी और लिक्विड ऑफ लिक्विड सो इस इनमें ना इस कंडीशन में क्या होता है कि हम प्लांटी और लिक्विड भी प्रोवाइड करते हैं किड्स को सो किड्स लूज इस फ्रॉम फीवर वोमिटिंग एंड डायरिया तीन कंडीशन में क्या होता है किड्स का जो अंदर जो जितने भी वॉटर है उसका लेवल क्या होता है कम हो जाता है इस कंडीशन में क्योंकि बॉडी काफी ज्यादा वॉटर लूज कर देती है जितना हम पीते नहीं होता तो लूज जाता है तो क्या होता है दे कैन गेट डिहाइड्रेटेड तो वो किस चीज के शिकार हो जाते हैं डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है हमें हंड्रेड परसेंट वाटर और हंड्रेड परसेंट फ्रूट जूस पिलाना होता है बच्चे को ठीक है तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो हाइड्रेटेड हो जाता है केयर कंजेशन केयर कंजेशन हेल्प योर चाइल्ड ब्लो दियर नोज अ फन सो फॉर एन इन फैक्ट पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सलाइन स्प्रे और ड्रॉप इन टू देयर नोज सो so, क्या होता है कि, कि किसी किसी कंडीशन में जो बच्चों की नाक है वो बंद हो जाती है तो देखा होगा जब उनको कफ या कोल्ड होता है तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों की नाक ना बिल्कुल बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में कहते हैं हम स्लाइन की जो ड्रॉप आते हैं स्प्रे आती है हम उसको नाक में डाल के उसको ठीक कर सकते हैं इसके कुछ प्रिवेंशन है फ्रेंड्स जो हमें अपनी डेली लाइफ में भी करनी चाहिए कि जैसे कि हम किसी वायरस से या बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं ठीक है तो नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने बच्चे को ठीक है किसी सिक पर्सन से या किसी सिक बेबी से दूर रखें जो पहले से ही बीमार है या फिर हम कुछ प्रिकॉशंस करें ऐसा नहीं है कि हाँ आप बीमार हैं तो आप दूर रहो ठीक है सो वॉश योर चाइल्ड हैंड योर अफन ड्यूरिंग द डे एंड स्पेशली बिफोर मील जब आपका बच्चा खाना खाता है ठीक है या फिर नॉर्मल uh, डेज में भी आप मॉर्निंग इवनिंग uh, में आप उसका हैंड वॉश करवाते रहिए ठीक है सो यूज एन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इफ यू डोंट हैव सोप एंड वाटर नियर बाय अगर आपके पास सपोज की आप बाहर कहीं गए हैं आपके पास नहीं है सोप तो आप उस केस में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हो सो क्लीन सरफेस लाइक सिंक एंड काउंटर काउंटर्स और सिंक जो यूज करते हो आप अपने घर में आप उसको बिल्कुल क्लीन रखें ताकि कोई दूसरा पर्सन अगर उसे टच कर रहा हो तो आप तक वो ना फैले ठीक है सो काफी प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो अपने रेगुलर लाइफ में भी हम करते हैं फ्रेंड्स जैसे रेगुलर वॉश करना अपने फर्श को खुद साफ करना ठीक है तो ऐसी ऐसी चीजें हमें Uh, जैसे कि आप दूसरे से प्रोटेक्शन के लिए आप मास्क भी लगा सकते हो ठीक है अगर स्नीज स्नीजन कफ से आपको बीमारियां फैल रही हैं तो आप मास्क भी लगा सकते हो जैसा कि अभी कोविड आया था तो कोविड के केस में भी क्या है कि आप मास्क लगा के एक दूसरे से प्रोटेक्शन कर सकते हो हैंड सैनिटाइजर लगा के आप उस बीमारी को फैलने से रोक सकते हो सो फ्रेंड्स ये हमारा एडिनो वायरस था अगर इसमें आपके कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच